विल वी मैंने बोला रुकने के लिए निकलो हेलो बेटा अपनी माँ की बात नहीं सुनेगा प्लीज बेटा इस बार बहुत मजा आएगा सच कह रही हूँ मैं अकेली दिवाली क्यों पिछले 5 साल से तो मैं घर आया नहीं हूँ ना फिर भी तो तुमने दिवाली सेलिब्रेट की थी इस बार भी कर लो ना मेरे बिना थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है वैसे भी तुम तो अकेली होगी नहीं अरे यार है गीता अरे चुप कराना इसको लाउड स्पीकर करके माफी चिल्ला रही है इतना है तो तू जाके संभालना बैठ के आवाज क्या कर रहा है मेरी अकेली की बच्ची है वो बेटा तुझे तो पता है ना दिवाली पर कितनी भीड़ होती है दुकान पे काउंटर से हिलने का मौका भी नहीं देते पता है मम्मी सब पता है इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास मेरे लिए टाइम होगा नहीं और मैं नहीं आऊंगा इस बार सब अलग है बेटा मैंने छुट्टी ले रखी है सिर्फ तेरे लिए तू आएगा ना बोलना तू आएगा ना गुड गुड गर्ल लिखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इंसान की रचना ही कुछ इस तरह से की गई है कि वो अकेले बिना किसी सहारे के जी नहीं सकता महिला पुरुष माता पिता भाई बहन जो भी हो किसी सहारे के अभाव में इंसान अधूरा होता है सहारे की कमी में इंसान अपने आप को परेशान व्याकुल और भटका हुआ महसूस करता है और बदकिस्मती से कभी कभी ऐसी अवस्था में वो बेहद भयानक और दिल दहला देने वाले कर्मों को अंजाम दे बैठता है देखो कितनी तबीयत खराब हो गई इसकी जरूर कुछ गलत खा लिया होगा इसने बस पहुंच गए पहुंच गए सर ये वॉलीबॉल टीम के लिए जो मैंने आपको नाम अच्छा सर 11वीं बार हो रहा है हमारे स्कूल में वो भी बस एक ही महीने में मुझे पता मिस्टर गॉर्डन मैंने रमेश को बोल दिया कि क्लीनिंग स्टाफ के साथ एक बार पूरे स्कूल को फिर से चेक कर ले बस ये दिवाली छुट्टी शुरू हो जाए और सारे बच्चे अपने घर चले जाएं सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए प्लीज सर डोंट वरी उम्र क्या है उसकी 15 साल हाइट डॉक्टर के हिसाब से बच्चों को जो भी बीमारी हुई है वो पानी की वजह से हुई है टाकी में ही कुछ होगा शायद कोई चूहा मरा हो उसी से इन्फेक्शन फैल रहा है जी सर सर वो यहाँ के लोकल स्कूल के हॉस्टल में रहता कल दिवाली पे घर आने वाला था मैं उसे लेने गई लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि अयान ने लीव के लिए एप्लीकेशन दी है लेकिन वो घर नहीं पहुंचा ना कोई फोन ना कोई मैसेज रात भर मैंने इंतजार किया सर पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए स्कूल का नाम क्या है सेंट स्टीवेंस कॉन्वेंट सर दहिसर में शिंदे सर एक ही स्कूल में 2 वारदात पहले वो बच्चा अयान गायब हुआ और अब पानी की टंकी में बच्चे की डेड बॉडी सर ये वही स्कूल है जो 2 दिन पहले न्यूज में आया था कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेंट की थी कई बच्चे बीमार पड़ रहे थे सर कहीं अयान की गुमशुदगी इस बच्चे के साथ कनेक्टेड तो नहीं है तुम फटाफट इस बच्चे की डिटेल्स निकालो मैं अयान मिसिंग केस को देखता हूँ ओके सर डॉक्टर ने बताया था कि ये इन्फेक्शन वाटरबॉर्न है इसलिए हमने इस टंकी की सफाई करवाई और सर सफाई के दौरान ही ये बच्ची किसका सर वो तो पता नहीं पता नहीं मतलब आप और आपकी बीवी इसी स्कूल में टीचर है ना क्वार्टर्स में रहते हैं बच्ची को नहीं जानते सर ये बात सही है कि मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे टीचर हैं और यहाँ के क्वार्टर्स में ही रहते हैं लेकिन वो क्या है सर स्कूल के आर्स के बाद में कहाँ किसी से इतनी बात हो पाती है
कोई तो पहचानता होगा बच्ची को। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ, स्कूल में रहने वाले और स्टाफ से जुड़े सभी लोगों के नाम चाहिए जिनके बच्चे हैं। जी सर। आपको अयान के बारे में कब पता चला? मिसेस सुब्रेकर, अयान की क्लास टीचर, ये आपको बेटर बता सकती हैं। बताइए। उस दिन हाफ डे था और लंच ब्रेक में दिवाली लंच का एक प्रोग्राम रखा था। सर सारे बच्चे आए थे लेकिन अयान ही नहीं आया था। तो इसके बारे में आपने पता करने की कोशिश नहीं की? नो सर। सुप्रिया आई थी मेरे पास, इन्होंने बताया था मुझे, लेकिन अयान ने लीव एप्लीकेशन दे दी। हमें लगा कि वो घर चला गया, फिर जब सुप्रिया की माता आई तब हमें पता चला। बट वी आर श्योर वो 100% गया था, हमारे स्कूल में उसके साथ कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता? आपके स्कूल से एक बच्चा गायब होता है, उसके बारे में पता करने की बजाय आपने उसकी माँ को इन्फॉर्म भी नहीं किया जब तक वो खुद पता करने के लिए नहीं आई। कैसी एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, और आपके स्कूल की टंकी में एक बच्ची की लाश मिली, ये सब चल क्या रहा है? कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? आयान का रूम दिखाइए। वो घर गया होगा या कहीं और, अगर स्कूल में होता तो मैं दिख जाता। लेकिन उसके कपड़े सारा सामान बिल्कुल ठीक से रखा हुआ है, अगर वो वैकेशन के लिए निकला होगा तो सब कुछ छोड़ के क्यों जाएगा? सर अगर वो छुट्टियों के लिए गया भी होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने घर जाएगा। वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम थी अयान और उसकी मदर के बीच। वैकेशन में जब सब बच्चे अपने घर चले जाते थे तो अयान हॉस्टल में ही रहता था अकेले। शायद उसकी मदर कुछ बता पाए। ये अयान को गुस्सा क्यों आता था? 5 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, अयान की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मुझे जॉब करना पड़ा और जॉब करने की वजह से मैं बहुत बिजी रहती थी, इसलिए मैंने अयान को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। इससे पहले अयान मेरे बिना कभी नहीं रहा, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा रहता, मैं उसे कैसे समझाती सर? अच्छा ये बताइए कि अयान के गायब होने से पहले कुछ हुआ था क्या, कुछ कहा सुनी? ऐसा तो कुछ नहीं। एक मिनट सर। आंटी। हाँ बेटा। आंटी अयान मिसिंग है, वॉचमैन अंकल ने बताया। ये अयान की बेस्ट फ्रेंड है। बेटा ये पुलिस अंकल, शायद इसे कुछ पता हो। जो सिर्फ टीचर्स के बारे में पता है, सभी के बच्चे बड़े हैं एज में। एक टीचर है मेरी तरह स्टाफ क्वार्टर्स में रहती, सुप्रिया गार्ड करके, उनकी एक बेटी है। जी सर, ये है मेरी बेटी खुशी। अयान तो ठीक ही था, मुझे लगा कि वो हमारे स्कूल के दिवाली लंच में मुझे मिलेगा, लेकिन उसने ना बोल दिया। क्यों? पता नहीं, उसने बोला कि उसका मूड नहीं था। अच्छा ये बताओ कि अयान के साथ सब कुछ ठीक था ना, मतलब उसके दोस्त किसी के साथ झगड़ा या लड़ाई? वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता था और मेरे सिवा किसी से भी बात नहीं करता था। और तुम? मेरे भी ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी चोट की बात कर रहा हूँ। ये घाव कैसे लगा था? खेलते वक्त। पक्का? वैसे कौन सा खेल खेल रही? कौन सी गेम खेल रही? भाग रही थी, रनिंग। हाँ, रमेश भाई और गीता भाभी के 6 महीने पहले बच्चा हुआ था और हमेशा वो स्कूल में बच्चे को साथ लाते थे, लेकिन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास गाँव भेज दिया क्योंकि वो कामकाज की वजह से बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते थे। चुपचाप खड़े खड़े देख रहे थे जब बच्ची को टैंक से निकाला। मेरी बच्ची तो मेरे माँ बापों के पास गाँव में है। झूठ बोलता है? हाँ, हमने तुम्हारे घर वालों से पता कर लिए, उनके पास कोई बच्चा बच्चा नहीं है। सब हम सच बोल रहे हैं, हमने नहीं मारा, अगर मारना ही होता तो पैदा होते ही मार देते ना। सर हमें तो लड़की चाहिए ही नहीं थी और मुश्किल से उसकी देखभाल कर पा रहे थे, उस दिन भी उसको स्कूल लेकर आए थे और सर हम अपने अपने काम पे लगे हुए थे जब ही वो गायब हो गई। झूठ बोल रहे, यकीन क्यों करूं? सर हम सच बोल रहे हैं सर। हाँ सर, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। तो बच्ची कहाँ गायब हुई, क्या हुआ था उस दिन? सब हम दोनों उसे रोज स्कूल में लाते थे, अकेले बच्ची को घर पे कैसे छोड़ते? वो एक लड़की थी जो हमारे पिंकी के साथ हमेशा खेलने के लिए आती थी। कौन लड़की? अरे सुनो, इधर आओ। अभी अभी मैंने सब साफ किया ना, तुम लोगों ने फिर से कचरा फैला दिया,
हाँ समझ में नहीं आता क्या, नौकरानी हूँ मैं? हाँ अरे हंस क्या रहे हो, अब मैं तुझे संभालू कि सब साफ सफाई करूँ? अरे रिधिमा बेटा अच्छा हो तू आ गई, ये ले इसे पकड़, मैं अपना काम कर लेती हूँ। आधे घंटे बाद वो रोते हुए वापस आए। दीदी, दीदी, पिंकी, पिंकी खो गई दीदी। क्या? साहब, वो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने रिधिमा को बोला घर जाने के लिए। मैंने समझाया कि अच्छा हुआ जो पीछा छूटा। साहब, मैंने इसको बोला था कि बता देते, छुपा के क्या फायदा, तुझे बवाल नहीं चाहिए थी ना, देख अब क्या हुआ। वो लड़की रिधिमा साहब और बार बार हम लोगों को बोल रही थी कि पुलिस को पिंकी के बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं सर, इसलिए कुछ घंटों बाद हमने उसको बोला कि पिंकी मिल गई है और हमने उसे गांव भेज दिया सर, उसको विश्वास हो गया और सर बात दब गई। सर दोनों को मार मार कर उगलवाए लेकिन फिर भी बोल रहे कि बच्ची को नहीं देखा, उन लोगों के मुताबिक कोई लड़की है जिसने बच्ची को आखिरी बार देखा था। कौन लड़की? सर कोई रिधिमा कोचर, उसी स्कूल में पढ़ती है। रिधिमा कोचर अयान की दोस्त? कौन सर, वो जो मिसिंग है? आशले, आज अयान के घर पर मैं उससे मिला, बहुत डरी हुई थी वो, उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे और जब मैंने निशान के बारे में पूछा तो वो झूठ बोलने लगी। खेलते वक्त भाग रही थी। शिंदे, ये लड़की हमसे जरूर कुछ छुपा रही। सर एक्चुअली ये लड़की दोनों केसेस के बीच की लिंक हो सकती है। करेक्ट। रिधिमा कहाँ है? जी मम्मा। हेलो बेटा, अयान का कुछ पता चला? नहीं बेटा, इस वक्त हम अयान के बारे में नहीं, किसी और के बारे में पूछने के लिए आए। पिंकी, पिंकी को जानती हो? छोटी सी बच्ची है, रमेश और गीता की बेटी, तुम्हारे स्कूल की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिली। बताओ सच क्या है? उस दिन 1 2 3 कहाँ है दीदी, कहाँ है? क्या है पिंकी बाबू? दीदी अभी आई, ठीक है वॉशरूम जाके जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं बस एक मिनट के लिए उसे छोड़कर गई थी, बाथरूम के पास ही, और जब मैं बाहर आई तो वो वहाँ नहीं थी। मैंने पिंकी को बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, लेकिन पिंकी नहीं मिली। रिलैक्स बेटा, आप इसके लिए पानी लेकर आइएगा प्लीज। लाती हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले या वॉशरूम से आने के बाद तुमने वहां पर किसी को देखा था? कोई था वहां पर? डोंट रिमेम्बर। बेटा डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, आराम से सोच के अच्छे से बताओ याद करके, तुमने किसी को देखा था उस दिन? सुप्रिया मैम, सुप्रिया मैम, 9 A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सुप्रिया। टॉपिक गौतम, बहुत हो गया। चिल्ला क्या रही हो, हाँ किसको सुना रही हो? और टीचर होगी तुम वहां स्कूल में, यहाँ घर में मेरे सामने नहीं। मेरे से बात करनी है तो ठीक से बात करो। गौतम, तुम मुझे हर बात में दोष नहीं दे सकते। अच्छा, गलती किसकी थी? Whose fault was it? बेवकूफ हो क्या तुम? या छोटी सी बच्ची हो दूध पीती हुई? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? अक्कल नहीं क्या तुम्हें? नाक बना के रख दिया तुमने मेरी जिंदगी। इनफ, मुझे और नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। Stop it, गौतम! तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। और ये बार-बार जाने की धमकी क्या दे रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। धमकी? ये सब धमकी लग रहा है तुम्हें? ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। I am leaving forever. नहीं गौतम, गौतम प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। गौतम मेरा विश्वास करो, गौतम मैं तुम्हें जाने नहीं। सुप्रिया छोड़ो मुझे, मेरा बोलने का हो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें जाने। मुझे जो करना है मैं करके रहूंगा, समझी? और इस तरह यहाँ कैंपस में तमाशा मत बनाना। रिधिमा के मुताबिक आप वहीं से निकली जहाँ उस बच्चे को रखा गया। नहीं सर, मे भी उसने गलती से बोला होगा, सब मैं वहाँ नहीं थी। आप ही तो गलत हो सकती हो, 2 महीने पहले की बात है, आपको इतने अच्छे से कैसे याद है आप वहाँ थी या नहीं? सर क्योंकि अगर कोई बच्चा बिना किसी निगरानी के वहाँ होता भी तो क्या मैं उसे उठा ना लेती? मैं भी एक माँ हूँ सर,
आपके कहने का मतलब ये है कि रिधिमा झूठ बोल रही। सर ऐसा कहा क्या हमने? आई मीन सुप्रिया ने आपसे कहा है कि हो सकता है उस लड़की रिधिमा को गलत फहमी हो गई। एंड एक्सक्यूज मी सर, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन हम लोगों को घर में बहुत काम है। हम भी अपना काम ही कर रहे हैं मिस्टर गौतम, और जब तक आप शिंदे सर, देखिए अभी के लिए काफी है, आगे कोई और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा डिस्टर्ब करेंगे। श्योर, थैंक यू। एक तरफ आयान, लेकिन सर ये क्यों मार रही बच्ची को? हो सकता है कि इस बच्ची को आयान ने मारा और डर के भाग गया। ये बच्ची उसकी दोस्त है, शायद उसे बचा रही, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इस बच्ची ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया। सर दोनों केसेस कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रहे हैं, अजीब पहेली है। पहेली कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो सुलझ जाती है, बस एक बार उस पहेली के टुकड़े मिल जाए। सर बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की मौत 2 महीने पहले हुई, कॉज ऑफ डेथ हेड इंजरी थी। बच्ची के सर को पटका गया? सर मतलब बच्ची की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई थी, पहले बच्ची का सर पटक कर मारा गया और फिर पानी के टंकी में लाश को छिपा दी। इतनी बेरहमी से। चंदे सर तुम एक टीम को लीड करो, मैं उसके स्कूल जाता हूँ। कोई ऐसी जगह है नहीं जहां कोई छुप सके। यस सर, ऐसी और कोई जगह नहीं। आर यू श्योर? यस। हाँ सर, पीछे एक दीवार है जिसके ऊपर से बच्चे कूद के भाग जाते हैं। चलिए दिखाइए। यस सर, आई विल कीप यू इनफॉर्म। जी सर। एनी अपडेट? सर उसे किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन हमने चारों तरफ पोस्टर्स लगा दिए, अगर वो दिख गया तो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। चिंदे स्कूल की बिल्डिंग क्लियर, एक काम करते यहाँ देखते। ये देखिए, एक तरफ मासूम पिंकी की बेदर्दी से जान ली गई थी और दूसरी तरफ आयान को बुरी तरह से पीट पीट कर मार दिया गया था। क्या ये दोनों हत्याएं जुड़ी हुई थी? क्या इनका लगभग एक ही समय में होना एक संयोग था? क्या इन दोनों हत्याओं के पीछे एक ही बेरहम कातिल का हाथ था? और सबसे अहम सवाल, वो क्या कारण था जिसकी वजह से इन भयानक हत्याओं को अंजाम दिया गया? शायद ये दोनों केस कनेक्टेड ना हो, इन दोनों केसेस का एक ही स्कूल से जुड़ा होना कोइंसिडेंस हो, हमें इन्हें 2 अलग-अलग केस मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। आयान के बारे में वापस से डिटेल्स निकलवाओ, पता करो, हो सकता है उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और हाँ, पिंकी मर्डर केस में रिधिमा पर कॉन्सेंट्रेट करो, गवाहों के मुताबिक आखिरी बार पिंकी को रिधिमा के साथ देखा गया था। ये रिधिमा हमसे कुछ ना कुछ जरूर छिपा रही। ध्यान क्या रहता है तेरा? उस आयन के गायब हो जाने से दुनिया नहीं रुक जाती, और तुझे क्या लगता है वो आके तेरी मदद करेगा? ऊपर देख, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता, सबको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। रात होने से पहले पहले 2 चैप्टर याद कर ले, मैं कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता हूं, और अगर तूने नहीं जवाब दिया तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। अब तुम जब तक ये अपना काम ना कर ले, इसे खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। यही काम रह गया मुझे, इस लड़की ने तो, तू नहीं रहती तो अच्छा होता, कम से कम घर में शांति तो रहती, तो कहीं चली क्यों नहीं जाती? जैसा तेरा दोस्त गया वो आयान, जा कहीं मर जा कलमुई। बेटा सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, बाकी सब कुछ भी बताओ, दोस्त के बारे में, किसी के साथ कोई अनबन झगड़ा? क्लास में सब लोग उससे बहुत डरते थे, उसके पापा है ना बहुत डेंजरस थे, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने आयान को क्या? आयान को क्या? रिधिमा के पापा सीधा चले आए और आयान को डांटा और बहुत मारा। तू है ना आयान? हैं? तू है ना आयान? आज के बाद रिधिमा के आसपास भी नजर आए ना, चांद से मार दूंगा। अंकल पर मैंने कुछ भी नहीं किया।
तेरी वजह से उसके मार्क्स कम आए, समझ गया ना? अंकल मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सॉरी, चुप्पाला, सॉरी अंकल। तो उसके बाद आयान ने रिधिमा से बात करना छोड़ दिया? नहीं पता, ये सब किसी और ने नहीं देखा था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था। मैं रूम के पास से गुजर रहा था तभी मैंने ये सब देखा। ठीक है, जाओ तुम। बच्चों पर हाथ उठाने का बड़ा शौक है ना तुझे? सच सच बता, आयान को तूने हॉस्टल में जाके मारा था ना? मैं हॉस्टल गया जरूर था, लेकिन जिसने भी आपको बताया बड़ा चढ़ाकर बताया, वो मेरी बेटी को परेशान करता था, उसे पढ़ने नहीं देता था। मैंने उससे कहा कि वो उससे दूर रहे, लेकिन मैंने हाथ नहीं उठाया। और रिधिमा, उस पे हाथ नहीं उठाया? रिधिमा मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूं या मारूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जब कानून तोड़ा जाता है तो प्रॉब्लम होती है, फिर कानून तोड़ने वालों को हम प्रॉब्लम देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रिधिमा ने आके आपसे कंप्लेंट की है। अगर अब आपको प्रॉब्लम ना हो तो वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं अपने घर जा सकता हूँ। बकवास बंद कर, यहाँ एक बच्चे का मर्डर हो गया है और तुझे मजाक लग रहा है? मर्डर हो गया तो मैं क्या करूँ? आप ऐन की माँ से क्यों नहीं पूछते कि उसे किसने मारा है? वो कोई दूध की दिल्ली थोड़े ना है। ये देखो सुनते, जब आयान की मौत हुई तब उसकी माँ का सेल स्कूल के आसपास ट्रेस हुआ। लेकिन सर वो तो आयान को पिकअप करने गई थी। शिंदे कितनी बार ऐसा हुआ है, जिसने कंप्लेंट लिखवाई वही कल्प्रेट निकला। फिर भी वो तो माँ है सर, अपने ही बेटी को। यही तो पता करना है, उसका रूम दोबारा से चेक करो। सर हम तलाशी ले चुके हैं। फिर से लो, एक एक कोना चेक करो, हर एक किताब, यहाँ तक कि साइबर सेल के एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाओ। रेंट बुक भी चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर कुछ मिला हुआ? वहाँ लॉकर में कुछ नहीं मिला सर। ये तो सर आयान के रूम से ये कॉपी मिली है, बहुत सारे पेजेस पे एक ही लाइन लिखी है, आई हेट राहुल अंकल। क्या हुआ सर? चिंदे ये देखो, ये वही नंबर जो आयान की माँ के फोन रिकॉर्ड्स में बार बार दिखाई दे रहा था। सर किसका नंबर? कोई राहुल गोछवाल। इतना ही नहीं, जब आयान का मर्डर हुआ तब ये मोबाइल उसके स्कूल के आसपास था, हो ना हो ये वही राहुल है जिससे आयान नफरत करता था। पता करना पड़ेगा इस राहुल का आयान की माँ से क्या चक्कर है। ये राहुल कौन है? इस शॉप में मैं काम करती हूँ, वहाँ के मैनेजर। ये आयान की बुक है? हाँ, आयान की हैंडराइटिंग है। तो फिर आयान आपके बॉस से नफरत क्यों करता था? देखा होता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन आयान को इससे प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि कोई दूसरा उसके पिता की जगह था। इसी बात के चलते वो आपसे हमेशा रूठा रहता था, ये बात आपने हमसे छिपाई। क्यों छिपाई? आप ही आयान से गुस्सा थी? आता था ना गुस्सा, समझना ही नहीं चाहता था कि हार के साथ तो मुझे भी अकेलापन काटने को दौड़ता है, मुझे भी किसी के सहारे की जरूरत है। समझा के तंग आ गई थी मैं। आयान तुम्हारे और लेखा के बीच के रिश्ते के लिए खतरा बन चुका था, इससे पहले कि स्कूल से घर लौट कर आए लेखा के मन बदल दे तुम खुद स्कूल गए और उसे मार दिया। तो सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बल्कि मैं और लेखा दोनों उसके स्कूल गए थे उसको पिकअप करने के, साथ गए थे जान लेने के लिए। मैं क्यों मारूंगी अपने बेटे, मेरे लिए तो सब कुछ वही था, उसकी भलाई के लिए मैंने अपने सब कुछ दे दिया, अपनी खुशियाँ दे दी। रोज सोचती हूँ काश उसे मेरी जिंदगी मिल जाए, मैं मर जाती तो जी पाता। पुलिस के सामने दोनों हत्याओं के मामलों में कई संदेह, उनमें से कुछ के पास कातिल की वजह भी थी, लेकिन बदकिस्मती से ठोस सबूत पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ नहीं था। दोनों मामले और उलझते गए और आखिरकार कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी चीज सामने आई जिसने इस केस का रुख बदल दिया। सर ये आयन के लॉकर की तस्वीर है, उस दिन छानबीन करते वक्त हमने खींची थी, और ये देखिए सर ये लॉकर के अंदर की तस्वीर है, जूम करके लिया गया। सुप्रिया, आयान की टीचर का नाम उसके लॉकर में क्यों? सुप्रिया मैम, 9A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। शिंदे शायद इसीलिए रिधिमा ने सुप्रिया का नाम लिया। सर ये देखिए 13 सितंबर मतलब जिस दिन पिंकी गायब हुई थी, लंच के बाद 1 से 1:45 के बीच में सुप्रिया की क्लास थी लेकिन वो एब्सेंट थी।
और ये आयान सूद 13 सितंबर एब्सेंट। मतलब दोनों क्लास से बाहर। चिंदे एक काम करो, सुप्रिया के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ, उसकी लोकेशन ट्रेस करो, पता करो जब आयान की मौत हुई तब सुप्रिया कहाँ थी और जब पिंकी गायब हुई तब सुप्रिया कहाँ थी। ओके सर। शिंदे सर, सुप्रिया और उसके हस्बैंड को पूछताछ के लिए बुलाओ। यस सर। जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं आपसे, 13 सितंबर को आप कहाँ थी? सर मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं नहीं जानती और मैंने उस बच्ची को वहां नहीं देखा था। सर उस रिद्धिमा को कोई गलत फहमी हुई होगी, उसने किसी और को देखा होगा। चलो मान लेते हैं कि आप वहां नहीं थी, अब आप ये बताइए कि आप थी कहां? मुझे नहीं याद है मैं कहां थी। आपके पति ने आपको छोड़ दिया, क्या ये सच है? सर ये हमारी पर्सनल बात है, प्लीज इट्स अ प्राइवेट मैटर। इतना भी क्या प्राइवेट मैटर है गौतम? सर है कोई पर्सनल बात और उस बात का आपके केस से कोई लेना देना नहीं। सर ये तो आम बात है, कई बार नादानी में स्टूडेंट्स को टीचर के प्रति लाइकिंग आ जाती है, एक फेज होता है ऑलमोस्ट सभी के साथ। आप ये जानती थी कि अयान आपको पसंद करता था? नो सर मुझे नहीं पता था। तुम जानते थे? किस बारे में सर? सुप्रिया और अयान के बीच संबंध कैसे थे? सर संबंध कैसे थे मतलब एक टीचर और स्टूडेंट के संबंध जैसे होते हैं वैसे ही थे। अयान की बॉडी के पास उसका मोबाइल मिला जो उसने खुद पैसे बचाकर खरीदा था। मोबाइल मिला है, ये तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस मोबाइल के बारे में उसकी माँ भी नहीं जानती। हमें उस मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्डिंग मिली आपकी। देखना चाहेंगी? यार मेरे घर ट्यूशन के लिए आता था। सॉरी मैम। जैसे किसी के सर पे पागलपन सवार हो जाता है वैसा ही कुछ हो गया था आयान के साथ। मैंने उसे समझाने की कई बार बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन तो उसने हद कर दी, वो छुप कर हमारे घर में घुस गया था और छुप कर वो सुप्रिया का वीडियो बना रहा था, वो भी जब वो नहा रही थी। क्या ये है? क्या ये? कुछ नहीं सर। ये सब करने को उतर आया तू? मैंने तेरे को समझाया था ना, वॉर्न किया था ना तेरे को पहले भी? सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी सॉरी के बच्चे, तुझे तो मैं बताता हूँ, अगर तुझे स्कूल से रस्टिकेट नहीं करवाया ना सर, नहीं तो ये फोन। ये तुम क्या कर रहे हो बच्चा? ये ऐसे बिहेव कर रहे हो बच्चे से? सुप्रिया बच्चा बच्चा नहीं है ये, और तुम जानती नहीं हो क्या करने जा रहा था ये। गौतम मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम बड़े हम इसे समझा लेंगे तो समझ जाएगा। आज ना होता तो पहले से समझ चुका होता, मैंने 2-3 बार पहले समझाया इसे। गौतम मैं समझा लूंगी, बस करो अब ये सब। सुप्रिया तो, और आखिरकार तुमने आयन की जान ले ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने हाँ मैं गुस्से में था लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। हमारे पास तुम्हारे फोन लोकेशन है, तुम उस दिन उस वक्त उसी जगह पर थे जहां आयन की मौत हुई थी। गौतम अभी बचने का कोई चांस नहीं, गौतम जो सच है बता दो वरना हमारे पास सच उगलवाने के और भी तरीके होते हैं। घोड़े बस बताओ, बताओ। बताता हूं सर, उस दिन जब मैं घर लौटा और मैंने देखा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं,
मैं सच्ची आपसे बहुत छोड़ो, छोड़ो आया, दूर जाओ, तुम क्या कर रहे हो ये? मिस मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। मिस मैं बहुत प्यार करता हूं। छोड़ो, छोड़ो, मैं प्यार करता हूं। आया जाओ यार, छोड़। क्या कर रहा था तुझे? तो आज मैं ए रुक, इतने गुस्से में था सर कि मैंने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, सुप्रिया को भी। गौतम ने अयान की जान ले ली, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी सच में। सो मैं थक गया था सर सुप्रिया से झूठ बोलते बोलते, और यही कारण था कि मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन इन सब से पिंकी की मौत का क्या ताल्लुक था सर? मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। पिंकी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। जो कुछ भी सच था मैं आपको बता चुका हूँ सर। वो अयान के मोबाइल में जो भी रिकॉर्डिंग है प्लीज डिलीट कीजिए सर। अयान के मोबाइल का ठीक होना मुमकिन नहीं था। अयान का नहीं है, हमारे कांस्टेबल का है। आपसे सच उगलवाने के लिए मैंने आपसे झूठ बोला। गौतम को अपने किए की सजा मिली, लेकिन गलती सुप्रिया की भी थी। जो हुआ वो साफ दर्शाता है कि जुर्म के बीज नजर आते ही उन्हें जड़ से उखाड़ देना जरूरी है। आयान के जुनून को गुजरता दौर मानकर नजरअंदाज करना सुप्रिया की भूल थी। आयान के अंदर एक तड़प पनप रही थी कि कोई उसे अपना माने, निस्वार्थ प्यार दे। ये तड़प उसे गलत रास्ते पर ले गई और नतीजा उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल पिंकी की हत्या का मामला अब भी सुलझ नहीं पाया था। पुलिस की जी तोड़ कोशिशें अब भी जारी थी। सवाल अब भी वही है, रिधिमा ने सुप्रिया का नाम क्यों लिया? सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। सर इसका मतलब रिधिमा ने हमसे झूठ बोला? कहीं रिधिमा ने पिंकी को? लेकिन क्यों? शायद वो खुद को बचा रही, या फिर किसी और को। किसी और को क्यों बचाएगी सर? हो सकता है उसे असली कातिल की परवाह, या फिर उसे डरती। सुनिए शांत हो जाएगी, मर जाएगी वो। तेरी वजह से मुझे पुलिस ऐसे खींच के ले गई। जितना चाहे मार लो, लेकिन कब तक रखोगे आप मुझे यहाँ? और अगर आप सोच रहे हैं कि रिधिमा आकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी तो आप भूल जाओ, कंप्लेंट हो गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर, चाइल्ड अब्यूज, लिस्ट बहुत लंबी है मिस्टर सतीश। तुम्हारी बीवी और बच्ची ने तुम्हारी सारी सच्चाई हमें बता दी। सच बता, पिंकी को तूने ही मारा है ना? आयान की तरह रिधिमा पिंकी के साथ भी समय बिताती थी, और इसके वजह से रिधिमा को पढ़ाई पे असर पड़ रहा था। तुझे इस बात को गुस्सा आया और तूने रिधिमा के भलाई के लिए पिंकी की जान ले ली। पिंकी कौन सी क्लास में पढ़ती थी ये पिंकी? अगर मैं उसे जानता तो उसके भी कान पर दो मारकर उसे भी सीधा कर देता। ये रिधिमा, इसका तो मन पढ़ाई में है ही नहीं। सुप्रिया मैम 9th A की क्लास टीचर, वही वहां से जा रही थी। मैं भी उसने गलती से बोला होगा सब, मैं वहां नहीं थी। आपके कहने का मतलब ये है कि रिधिमा झूठ बोल रही? पिंकी का मर्डर हुआ था तो सुप्रिया घर पर ही थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ हमें सब पता चल चुका है। क्यों किया तुमने इसे? है दीदी का है, दीदी आ है। अरे आयान चलो ना खेलते। नहीं मैं जा रहा हूँ। आयान क्या हुआ, तुम इतने टाइम से मुझे मिली नहीं, बात भी नहीं कर रहे हो? मैंने कुछ किया? ऐसा कुछ नहीं है रिद्धि, मुझे अभी लेट हो रहा है, मैं बाद में मिलता हूँ ठीक है? आयान प्लीज डोंट गो, एक तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो इन द होल वर्ल्ड, और हमें साथ में रहना है ना फुल लाइफ। फुल लाइफ तुम्हारे साथ? पागल वागल हो गई हो क्या तुम? मैं तो अपनी फुल लाइफ सुप्रिया मैम के साथ रहूंगा। हैप्पी फॉरएवर, बाय। आयान आयान मैंने उसे सुप्रिया मिस के घर जाते देखा था। मुझे इतना इतना बुरा लगा, पता नहीं कैसे चलते चलते मैं पिंकी के साथ टैंक तक पहुंच गई। अयान और मैं हमेशा टैंक के पास ही बैठे रहते थे, बातें करते थे। वो मुझे अपनी मम्मा के बारे में बताता था और मैं अपने पापा के बारे में। मुझे लगा अयान हमेशा मेरे साथ होगा,
लेकिन वो चला गया, मैं अकेले थी। I hate this life, I hate this world. कुछ अच्छा नहीं है यार। मैंने बोला रुकने के लिए नहीं है। अच्छा तो तू जाली कहीं मर जा। तू नहीं रही तो अच्छा था। जा मर जा करूँगी। नन्ही मासूम पिंकी की हत्या, रिद्धिमा की दयनीय मनोदशा, या फिर आयान के अकेलेपन और जिद का अंजाम, ये बेहद जरूरी है कि हम बच्चों की इस बुनियादी जरूरत को अनदेखा ना करें, उन्हें निस्वार्थ प्यार दें, सहारा दें जिसके वो हकदार हैं। अजीब बात है कि जिस जरूरत को हम खुद महसूस करते हैं उसी को हम औरों में देख नहीं पाते। सिर्फ इंसान बनकर जन्म लेना काफी नहीं है, जरूरी है कि हम असली मायनों में इंसानियत को अपनाने की कोशिश करें। हमारा रत्ती भर सहारा भी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।